नमस्कार, अभिनंदन है आप सबका राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त रचित खंड काव्य भारत भारती की इस श्रृंखला की 33वीं कड़ी में। वर्तमान खंड का तीसरा चरण है यह, जहां भारत में अंग्रेज स्वामी बने बैठे हैं और भारतीय उनके गुलाम, मजदूर, सेवक। अपना उल्लू सीधा करने के लिए अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार प्रसार किया जा रहा है और पढ़े लिखे भारतीय बस उनकी चाकरी क्लर्की कर रहे हैं और गरीब दारिद्र्य और दुर्भिक्ष की भट्टी में सड़ रहा है। देश प्रेमी काला पानी की काली अंधेरी कोठरियों में मौत से भी बदतर यातनाएं सह रहा है। किसान भी स्वतंत्र नहीं है अन्न उपजाने के लिए। खेती अब आर्थिक और अधिक से अधिक व्यापारिक लाभ के लिए हो रही है। भारतीयों के आत्मसम्मान को यूं कुचला जा रहा है कि उनकी कई पुश्तें अब इससे उबर नहीं सकती सरलता से। जहां गुप्त जी के वर्तमान का भारत अंग्रेजों के जुल्म से लड़ रहा था, स्वाधीनता के लिए लड़ रहा था, वहीं हमारे वर्तमान का भारत आज स्वाधीन तो है पर उसकी सुरक्षा सरल नहीं। स्वाधीनता को कायम रखना जंग से कम नहीं। शहादत का सिलसिला आज भी चल रहा है। आतंकवाद की बलि चढ़ रहे हैं रोज अनेकों वीर। आज उन्हीं वीरों को पहले अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं और फिर प्रारंभ करते हैं उस काल में हमारी कृषि और कृषकों की स्थिति से संबंधित आज का अध्याय। अब पूर्व किसी अन्न की होती नहीं उत्पत्ति है, पर क्या इसी से अब हमारी घट रही संपत्ति है। यदि अन्य देशों को यहां से अन्न जाना बंद हो तो देश फिर संपन्न हो, क्रंदन रुके आनंद हो। वह उर्वरापन भूमिका कम हो गया है क्यों न हो, होता नहीं कुछ यत्न उसका, यत्न कैसे हो कहो। करते नहीं कर्षक परिश्रम और वे कैसे करें, कर वृद्धि है जब साथ तब क्यों वे वृथाश्रम कर मरे। अब पूर्व किसी अन्न की होती नहीं उत्पत्ति है, पर क्या इसी से अब हमारी घट रही संपत्ति है। अब हमारे खेतों से पहले जैसी उत्पत्ति नहीं होती। भारत की शस्य श्यामला धरती मां अन्नपूर्णा अब हमारा पेट पालने में असमर्थ है, पूर्ति नहीं कर पाती है अपनी संतानों की। खाद्यान्न फसलों की खेती पर अधिक बल नहीं दिया जाता, किंतु हमारी निर्धनता, हमारी निर्बलता, हमारी घटती संपन्नता का यही एकमात्र कारण नहीं है। यदि अन्य देशों को यहां से अन्न जाना बंद हो तो देश फिर संपन्न हो, क्रंदन रुके आनंद। तो वास्तव में देश में अन्न की कमी का एक बहुत बड़ा कारण है खाद्यान्न का निर्यात। बाहरी देशों से भारत के अन्न के बल पर मुनाफा कमाती है अंग्रेजी सरकार और खेत में पिसता है मेहनतकश बेचारा गरीब किसान, जिसके अपने जरूरत के लिए भी अन्न नहीं बच पाता उसके पास अंत में, और उसके हाथ केवल आती है तो मायूसी, भूख, मजबूरी और आंसू। करुण क्रंदन कैसे रुके भला, कैसे बदलें ये रुदन के स्वर आनंद के गीतों में। कोई मार्ग सुझाई नहीं देता। वह उर्वरापन भूमिका कम हो गया है क्यों न हो, होता नहीं कुछ यत्न उसका, यत्न कैसे हो कहो। हमारी भूमि की उर्वरा शक्ति यानी उपजाऊ शक्ति कम होती जा रही है दिन प्रतिदिन, और क्यों ना हो, उस भूमि से केवल लिया जा रहा है फसल दर फसल, और कोई यत्न उसकी उर्वरता बढ़ाने के लिए नहीं किए जा रहे। किसान की कमर तो पहले से ही तोड़ दी है इस नई कृषि व्यवस्था ने। जिसको भोजन उपलब्ध ना होता हो वो भला खाद बीज कहां से लाए, उसके लिए पैसे कहां से लाए।
करते नहीं कर्षक परिश्रम और वे कैसे करें? कर वृद्धि है जब साथ, तब क्यों वे वृथा श्रम कर मरे। तो कृषक तो हर तरफ से मर रहा है, परिश्रम से भी और कर देकर भी। तो फिर जब उसे हर हाल में मरना ही है तो क्यों करे वो अथक परिश्रम, जिस मेहनत का फल उसे और उसके परिवार को मिलना ही नहीं है, तो वो मेहनत किस काम की? 100 में 85 जन यहां निर्वाह कृषि पर कर रहे, पाकर करोड़ों अर्ध भोजन सर्द आहें भर रहे। जब पेट को ही पड़ रही फिर और की क्या बात है, होती नहीं है भक्ति भूखे उक्ति यह विख्यात है। कृषि कर्म की उत्कर्षता सर्वत्र विश्रुत है सही, पर देख अपने कर्षकों को चित्त में आता यही। हाँ देव क्या जीते हुए आजन्म मरना था उन्हें, भिक्षुक बनाते पर विधे कर्षक न करना था उन्हें। 100 में 85 जन यहां निर्वाह कृषि पर कर रहे, पाकर करोड़ों अर्ध भोजन सर्द आहें भर रहे। तो 100 में से 85% लोग जिस देश में कृषि पर निर्भर हैं अपनी सभी आवश्यकताओं के लिए, और जो कल तक सर्व समृद्ध थे, खुशहाल थे अपनी कृषि संपदा के ही कारण, वही आज भूखों मरने पर बाध्य हैं, क्योंकि आधा पेट भोजन भी नहीं पा रहे हैं। अब वो बेचारे ठंडियां हैं भर रह जाते हैं। जब पेट की ही पड़ रही फिर और की क्या बात है, होती नहीं है भक्ति भूखे उक्ति यह विख्यात है। तो जब पेट ही ना भर पाता हो तो वो भला कुछ और क्या सोच सकता है। कपड़ा और आसरा तो रोटी के बाद ही आते हैं। हंसना खेलना, उत्सव मनाना, भजन पूजन कुछ नहीं सूझता जब भूखा पेट हो। कहावत भी है कि भूखे भजन न होए गोपाल। भक्ति साधना के लिए भी साधन तो ये शरीर ही है, और इसकी सुरक्षा भी मनुष्य के लिए सर्वोपरि है, लेकिन अपनी सुरक्षा का अधिकार भी नहीं है आज हमारे इस कृषक के पास। कृषि कर्म की उत्कर्षता सर्वत्र विश्रुत है सही, पर देख अपने कर्षकों को चित्त में आता यही। कृषि कर्म को यानी खेती करने को सर्वश्रेष्ठ कर्मों में से एक माना जाता है, वन अमंग द नोबल प्रोफेशंस, टीचर, सोल्जर, डॉक्टर, फार्मर। और हमारा भारत तो सदा से ही कृषि प्रधान देश रहा है। गर्व है हमें भी इस बात पर और हमारे कृषकों पर, जिनकी मेहनत से सबका पेट भरता है और वे अपने जीवन की अन्य विविध महत्वाकांक्षाओं की ओर बढ़ पाते हैं। महर्षि दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश में किसान को राजाओं का राजा कहा है, लेकिन हमारे कृषकों की स्थिति आज विपरीत है। राजाओं का राजा तो दूर, वह तो स्वयं अपने भूभाग का भी स्वामी नहीं रहा, मात्र गुलाम बनकर रह गया है। हट करता है तो उसके घर खलिहान जला दिए जाते हैं, कई गुना लगान देना पड़ता है उसे। अपनी मर्जी से खेती भी नहीं कर सकता, गेहूं चावल के बजाय अफीम जैसा जहर उगलने पर मजबूर है उसके खलिहान। हा देव क्या जीते हुए आजन्म मरना था उन्हें, भिक्षुक बनाते पर विधे कर्षक न करना था उन्हें। तो आज उनकी स्थिति को देखकर मन में यही विचार आता है कि उनका दैव, उनका अपना भाग्य उनके साथ नहीं, उनका शत्रु बन बैठा है। यदि इसी तरह मरमर के जीना है उन्हें जिंदगी भर, तो फिर जीना ही क्यों? यही स्थिति उन्हें आत्महत्या करने पर बाध्य करती है, क्योंकि ऐसे जीवन से तो मृत्यु ही अच्छी। क्यों बनाया विधना ने उन्हें किसान, भिक्षुक ही किया होता तो बेहतर था। कृषि में अपेक्षा वृष्टि की रहती हमें अब है सदा, होता जहां वैषम्य उसमें क्या कहें फिर।
फिर आपदा। रहता अवर्षण से अहो अब जो हमारा हाल है, दृष्टांत उसका इन दिनों गुजरात का दुष्काल है। था एक ऐसा भी समय पड़ता काल न था यहां, हो या न हो वर्षा जलाशय थे यथेष्ट जहां तहां। भारत पढ़ो देवर्षि ने है क्या युधिष्ठिर से कहा, कृषि कार्य वर्षा की अपेक्षा के बिना तो हो रहा। कृषि में अपेक्षा वृष्टि की रहती हमें अब है सदा, होता जहां वैषम्य उसमें क्या कहें फिर आपदा। यानी कृषि की अपेक्षा रहती है सदा अब हमें, इस अकाल और सूखे के काल में अब कहां जलस्रोत जलाशय। वर्षा पर निर्भर है कृषि अब पूर्णतः, और दोहरी समस्या से जूझ रहा है भारत का किसान। अंग्रेजों की विषमता निर्दयता प्रकृति की विषमता के साथ साथ आपदाओं ने भी पूरी तरह से कृषि और कृषकों की कमर तोड़ दी है। रहता अवर्षण से अहो अब जो हमारा हाल है, दृष्टांत उसका इन दिनों गुजरात का दुष्काल है। तो वर्षा के बिना अब जो हाल है हमारे किसानों का, उसका ज्वलंत उदाहरण है सन 1912 का गुजरात का वो दुष्काल, वो अकाल। याद करके भी रूह कांप जाती है। आसमान फट पड़े, ऐसी दारुण स्थिति थी। यहां तक कि पेट भरने के लिए कूड़ेदान के इर्द गिर्द घूमते कुत्ते बिल्लियों से भी संघर्ष करना पड़ जाता था। आग उगलती थी धरती, जगह जगह अस्थि पंजर, कमजोर इंसान ऐसे मानो कंकाल घूम रहे हों चारों ओर। था एक ऐसा भी समय पड़ता काल न था यहां, हो या न हो वर्षा जलाशय थे यथेष्ट जहां तहां। एक समय था जब भारत में कभी अकाल नहीं पड़ता था, जहां तहां जलाशय थे और कृषि को वर्षा पर निर्भर नहीं होना पड़ता था। एक यूनानी राजदूत ने, जो कि चंद्रगुप्त के दरबार में रहा था, आश्चर्य और प्रशंसा के साथ लिखा है कि देश के अधिक भाग में सिंचाई का प्रबंध होने के कारण इस देश में अकाल पड़ता ही नहीं था, और बोई हुई भूमि के पास ही युद्ध और लड़ाइयां भी होती थी, परंतु युद्ध करने वालों में से कोई भी किसान या उसकी खेती को कुछ हानि नहीं पहुंचाता था। चंद्रगुप्त के हिंदू राज्य का बल और विस्तार, उसके राज्य में जान और माल की रक्षा, और उस प्राचीन समय में खेती और सिंचाई के प्रबंध की उत्तम दशाओं का वर्णन ऐसा है जिसे आजकल का प्रत्येक हिंदू उचित अभिमान के साथ स्मरण करेगा। इतिहासकार आरसी दत्त के शब्द। भारत पढ़ो देवर्षि ने है क्या युधिष्ठिर से कहा, कृषि कार्य वर्षा की अपेक्षा के बिना तो हो रहा। भारत पढ़ो अर्थात महाभारत, महाभारत पढ़ो। तो यहां महाभारत के सभा पर्व का उल्लेख है, जहां पे देवर्षि नारद ने युधिष्ठिर से कहा था, युधिष्ठिर के अभिषेक के समय की बात है ये, कि कृषि कार्य तो वर्षा की अपेक्षा के बिना ही हो रहा था, इतनी सुख समृद्धि थी उस काल। केवल अवर्षण ही नहीं अतिवृष्टि का भी कष्ट है, बढ़कर प्रलय सम प्रबल जल सर्वस्व करता नष्ट है। देवो अपि दुर्बल घातक अथवा अभाग्य कहें से, किं वा कहो निज कर्म का मिलता नहीं है फल किसे। अब ऋतु विपर्यय तो यहां आवास ही सा है किए, होती प्रकृति में भी विकृति भाग्यहीनों के लिए। हेमंत में बहुधा घनों से पूर्ण रहता व्योम है, पावस निशाओं में तथा हंसता शरद का सोम है। केवल अवर्षण ही नहीं अतिवृष्टि का भी कष्ट है,
बढ़कर प्रलय सम प्रबल जल सर्वस्व करता नष्ट है। केवल अवर्षण ही नहीं अतिवृष्टि भी है, यानी प्राकृतिक आपदाओं में भी अपार विषमता है। अवर्षण यानी सूखा, वर्षा का न होना, और अतिवृष्टि यानी अधिक वर्षा का होना। तो बाढ़ का जल कहीं प्रलय के समान सब कुछ ग्रस लेता है, तो कहीं सूखा इंसान को नरकंकाल बना देता है। कुछ नहीं बचता बाढ़ की चपेट से, घर मकान खेत खलिहान कुछ संचित सामान और स्वयं उसकी जान सब बाढ़ निगल जाती है। दैवो अपि दुर्बल घातक अथवा अभाग्य कहें से, किंवा कहो निज कर्म का मिलता नहीं है फल किसी। ये सब देखकर यही लगता है कि दुर्बल का, गरीब का, असहाय का तो स्वयं ईश्वर भी सहायक नहीं। अभी तो वो भी उसके भाग्य के साथ मिलकर दोहरा आघात कर रहा है उस लाचार गरीब पर। या फिर यूं कहा जाए कि अपने ही किए किन्हीं दुष्कर्मों का फल है और संतोष कर लिया जाए। अब ऋतु विपर्य तो यहां आवास ही सा है किए, होती प्रकृति में भी विकृति हा भाग्यहीनों के लिए। ऋतु विपर्य यानी ऋतुओं का विपरीत होना। तो मानो ऋतु विपर्य ने तो अपना घर ही बना लिया है, जैसे आजकल भी हो रहा है असमय गर्मी सर्दी वर्षा का होना। ये तो अब सदा के लिए है, मानो नियम बन गया है, नियति बन गया है, और अब जाने वाला नहीं है। भाग्यहीन के लिए तो प्रकृति भी अपना विकराल रूप प्रकट कर देती है, जब चारों ओर से विपदाएं घेर लेती हैं और कुछ करते नहीं बनता तो व्यक्ति भाग्य को ही कोसता है, और कोई चारा भी तो नहीं है उसके पास। हेमंत में बहुधा घनों से पूर्ण रहता व्योम है, पावस निशाओं में तथा हंसता शरद का सोम है। हेमंत ऋतु में आकाश में असमय बादल छाने लगे हैं। हेमंत ऋतु शीतकाल का वो समय है जब हल्की गुलाबी ठंड पड़ती है, सब रोग दूर होने लगते हैं, लेकिन उसमें भी अब विकृति आ गई है। रात भर वर्षा निरंतर ऐसे होती रहती है मानो उपहास कर रही हो। शरद का चंद्रमा भी लगता है मानो उनकी बेबसी पर हंस रहा हो। जाए अच्छी भी फसल पर लाभ कृषकों को कहां, खाते खवाए बीज ऋण से हैं रंगे रखे यहां। आता महाजन के यहां अब अन्न सारा अंत में, अध पेट रहकर फिर उन्हें है कांपना है मंत में। पानी बनाकर रक्त का कृषि कृषक करते हैं यहां, फिर भी अभागे भूख से दिन रात मरते हैं यहां। सब बेचना पड़ता उन्हें निज अन्न वह निरुपाय है, बस चार पैसे से अधिक पड़ती न दैनिक आय है। हो जाए अच्छी भी फसल पर लाभ कृषकों को कहां, खाते खवाई बीज ऋण से हैं रंगे रखे यहां। और यदि भाग्यवश कुछ चमत्कार हो जाए, प्रकृति की कृपा हो जाए और फसल अच्छी हो जाए, तो भी किसान को इसका कोई लाभ नहीं होता, क्योंकि वो तो तरह तरह के कर्जों में पहले से ही डूबा हुआ है। सब खाते यानी बही खाते रंगे हुए हैं, खाद बीज इत्यादि के ऋणों में उस किसान के नाम पर। आता महाजन के यहां वह अन्न सारा अंत में, अधपेट रहकर फिर उन्हें है कांपना हेमंत में। उसकी नियति में तो केवल शीत ऋतु में कांपना रह गया है। सारी उपज सारा अन्न अंत में महाजन के यहां जा पहुंचता है, कर्जा चुकता करने के बाद शायद ही कुछ बचता है। आधे पेट अधनंगा बदन न जाने कैसे गुजारा करता है। सर्दी में कांप कांप कर ठिठुर ठिठुर कर समय काटता है, और धीरे धीरे यही नियति बन गई है उसकी, आदत बन गई है उसकी।
वो उससे ऊपर का सोच ही नहीं पाता। पानी बनाकर रक्त का कृषक करते हैं यहां, फिर भी अभागे भूख से दिन रात मरते हैं। अब वर्षा तो होती नहीं, लेकिन अपने आंसुओं को, अपने रक्त को ही मानो पानी बनाकर बहा देता है खेतों में, फिर भी अभागा किसान भूखों मरने पर मजबूर है। सब बेचना पड़ता उन्हें, निज अन्न वह निरुपाय है, बस चार पैसे से अधिक पड़ती न दैनिक आय। कोई उपाय नहीं है, कोई निवारण नहीं है उसकी समस्या का। जो उगता है, जो पैदा होता है, इतने परिश्रम, कष्ट और त्याग के बाद वह भी सब उन्हें बेचना पड़ जाता है। एक दिन की आय उसकी मात्र चार पैसे या उससे भी कम होती है। यदि ऐसा हो तो फिर क्यों ना उसे निरर्थक लगे सब प्रयास, क्यों ना मौत उसे प्रेयसी समान दिखाई दे। जब अन्य देशों के कृषक संपत्ति में भरपूर हैं, लाते के जिनसे 8 रुपया रोज के मजदूर हैं, तब 4 पैसे रोज ही पाते यहां कृषक। अहो कैसे चले संसार उनका, किस तरह निर्वाह हो, कैसे चले संसार उनका, किस तरह निर्वाह हो। जब अन्य देशों के कृषक संपत्ति में भरपूर हैं, लाते कि जिनसे 8 रुपया रोज के मजदूर हैं, तो इसके विपरीत अन्य देशों में कृषकों की स्थिति काफी मजबूत है। संपत्ति से भरपूर हैं, धन धान्य से भरे हैं उनके भंडार, सुख समृद्धि खेलती है उनके आंगन में, और जिनके यहां 8 रुपया रोज के तो मजदूर ही काम कर रहे होते हैं। उन कृषकों की हमारे कृषकों से तुलना करना भी बहुत दूर की बात है, जो केवल 4 पैसे रोज ही कमा पाता है। तब 4 पैसे रोज ही पाते यहां कृषक हो, कैसे चले संसार उनका, किस तरह निर्वाह हो। हमारे कृषक केवल 4 पैसे मात्र रोज ही, वो भी मुश्किल से पाते हैं यहां, अर्थात उनकी स्थिति और देशों के गुलामों से भी कई गुना बदतर है। कहां 8 रुपया रोज और कहां 4 पैसे, तो भला किस प्रकार वो अपना घर संसार चलाएगा, अपने परिवार का पेट पालेगा, कपड़ा, शिक्षा, पर्व त्योहार, तो फिर कल्पना की बात हो गई। किस प्रकार भला होगा उसका निर्वाह। अन्नदाता कहते हैं जिसे देखिए, वो स्वयं दाने दाने को मोहताज है। कल भी था और आज भी, कल भी आत्महत्या ही उसका भाग्य थी और आज भी है। सोचने की बात है कि स्वाधीनता ने क्या दिया हमें, क्या छीन लिया, क्या गलत किया हमने, क्या सही, क्या सुधार संभव है, या फिर यूं कहें कि क्या हम सुधार करना भी चाहते हैं या नहीं। बड़े बड़े पेट वाले नरभक्षियों को कीड़े मकोड़े कहां दिखाई देते। कल अंग्रेज थे और आज अपने ही नरभक्षी बन बैठे। चलिए आज आपको इसी विचार के साथ यहां छोड़कर विदा लेती हूं। अगली कड़ी में भी इसी अध्याय को आगे बढ़ाएंगे, शीघ्र लौटूंगी, प्रतीक्षा कीजिएगा, बने रहिए मेरे साथ भारत भारती की इस यात्रा में। नमस्कार, जय भारत।